हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था न्यूमेरिकल्स, तो उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। बोला है, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू बाय क्यू। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है? सपोज ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड क्या है, एल है। यहाँ पे क्या है मेरा, एक चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, ये चार्ज हमारा है, ठीक। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो फाइंड करें हमारा इसका रेशियो क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा हमारा, इसका ऑप्शन आप लोग देख लें। ऑप्शन हमारा था क्यू बाई क्यू इक्वल टू -2√2, क्यू बाई क्यू इक्वल टू -2√2। थर्ड हमारा जो हो गया, नन ऑफ द एबव, और सिस्टम विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ये हमारा होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां क्या बोला है, यहां बोला है कि सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी भी, अगर किसी भी, अगर हम चार्ज की बात करें, स्क्वायर, ठीक है, अगर किसी भी हम वर्टेक्स की बात करें, क्यू 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 में हम किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, सपोज हम इस चार्ज की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेट फोर्स हमारा कितना है। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है? इसके कारण से हमारा फोर्स कितना आएगा, इधर आएगा, रिपल्सन होगा, एफ वन कितना हुआ मेरा, के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर, ठीक। इसके कारण से हमारा फोर्स कितना आएगा, ये हमारा एफ वन होगा, एफ वन क्यों होगा, वैल्यू हमारा दोनों का सेम है, क्यू क्यू हमारा सेम है, ठीक है, के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर, ठीक। अब ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये हमारा फोर्स इधर होगा, ठीक है। अब फोर्स हमारा कितना हुआ, मान लीजिए एफ डैश हमारा कितना हुआ, के क्यू क्यू बाय √2L का होल स्क्वायर। कल मैंने बताया था √2L कैसे आया, एल एल और पाइथागोरस यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √2L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी ये दोनों हमारा क्या 90 डिग्री पे है, इसका मतलब रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा, इधर ही होगा। अरे बोलो यार, रिजल्टेंट हमारा कितना हुआ, एफ रिजल्टेंट कितना हुआ मेरा, √2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू एफ वन। तो नेट फोर्स ऑन, सपोज ए है, बी है, सी है, डी है, ए इक्वल टू मेरा कितना होगा, एफ आर, एफ नेट की अगर हम बात करें, ए पे एफ आर प्लस एफ डैश, दैट मीन्स एफ आर हमारा कितना है, √2 टाइम्स ऑफ एफ वन प्लस एफ डैश हमारा कितना है, एफ डैश, इसके वैल्यू पुट करो, √2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाय √2L का होल स्क्वायर। अभी क्या बोला, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम पे नेट फोर्स हमारा जीरो होना चाहिए। अरे बोलो यार, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स हमारा जीरो है तभी तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। तो अभी हम इस वर्टेक्स की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पे हमें नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करना है। यहाँ पे सपोज हमने जीरो कर दिया, अब जीरो करने के बाद वैल्यू हमारा क्या आया, √2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय √2L स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया। एक क्यू से क्यू हमारा चला गया, के से के हमारा चला गया, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारा चला गया, तो वैल्यू हमारा क्या आया, √2 टाइम्स ऑफ इक्वल टू माइनस क्यू बाय टू। तो वैल्यू हमारा आ गया q
क्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस टू रूट टू, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो हमने यहाँ पे चेक किया ना, अभी तो हमें यहाँ भी चेक करना है, क्योंकि क्या है कि हो सकता है यहाँ पे फोर्स कुछ अलग ही आ जाए। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ये भी तो रेशियो हो सकता है मेरा, ये भी तो रेशियो हमारा हो सकता है। दैट मीन्स अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो हमें हर पॉइंट को चेक करना होगा। तो सपोज यहाँ पे हमने चेक कर लिया वैल्यू को, और ये हमारा जो फोर्स होगा इसके कारण से भी फोर्स हमारा इतना ही आएगा। तो किसी एक वर्टेक्स को ले लो आप, या तो इसको लो या तो इसको लो। चलो इसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हमने इसको लिया इस पॉइंट को, तो ये हमारा हो गया क्यू कैपिटल क्यू क्यू कैपिटल क्यू। अभी क्या हुआ, इसके कारण से फोर्स हमारा इधर हुआ एफ वन, इसके कारण से फोर्स हमारा किधर हुआ, इधर हुआ एफ वन, ठीक है। और इसके कारण से फोर्स हमारा कितना हुआ, ये एफ आर रिजल्टेंट, ये हमारा हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री पे है। तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा रूट टू टाइम्स ऑफ, रूट टू टाइम्स ऑफ एफ आर प्लस एफ वन डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या एफ वन, फोर्स हमारा क्या होगा एफ डैश, इधर होगा हमारा, ठीक है। तो रूट टू टाइम्स ऑफ एफ आर हमारा कितना हुआ, एफ आर हमारा क्या हुआ, रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, इसका रूट टू टाइम्स ऑफ, ये हमारा एफ आर था। एफ वन हमारा कितना होगा के, ठीक है, और क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस एफ डैश हमारा कितना होगा, एफ डैश हमारा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग जीरो करेंगे, जीरो करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या आने वाला है, रूट टू टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू बाय टू एल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू काट दो आप लोग, तो हमारा कितना आ जाएगा, के हमारा कट गया, क्यू हमारा कट गया, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, क्यू बाई क्यू इक्वल टू क्या आया मेरा, माइनस टू रूट टू, दोनों आ रहा हमारा यार, तो पॉसिबल तो है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू बाई, अगर क्यू को लिखे हम तो माइनस टू रूट टू वन बाई में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है कि यार वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, ये रेशियो को देखें, क्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस टू रूट टू, इस वैल्यू को देखें तो हमारा वन बाय आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। रेशियो हमारा सेम है, वैल्यू हमारी क्या डिफरेंट है, इसका मतलब क्या पता चला, सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम है, नहीं है। ये हमारा तो ऑप्शन हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन दो वैल्यू हमारा क्या होता, अगर ये वैल्यू हमारी ऐसे होती तभी हमारा होता, लेकिन क्या सिस्टम हमारा क्या इक्विलिब्रियम में नहीं है, दो वैल्यू पॉसिबल तो था नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, आज कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे जो कि आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, क्लास अटेंड कीजिए और रेगुलर पेज में आइए, ठीक है। थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये हमारा है, ये टीयर थ्री में आ रहा है। अभी जो हमने पढ़ा आईआईटी का न्यूमेरिकल्स, ये टीयर थ्री की बात कर रहे हैं। बोर्ड वाले लोग इसको देखे ना, जो भी बोर्ड की तैयारी करे इसको देखे ना, छूए ना इसको, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आईआईटी नीट के लिए है, जो भी जेई मेंस, और ये बेसिकली यहाँ पे क्या जी मेन प्लस एडवांस का है और नीट का है, उसके नीचे बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। अभी देखो, हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, अरे बोलो यार, हमने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर आर होगा, अगर वो चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड हैं, तो उसका फोर्स हमारा कितना आया था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, जहाँ के का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। लेकिन अगर वही मीडियम में हम प्लेस कर दें, तो मीडियम में प्लेस करने के बाद हमारा जो फोर्स आएगा वो घट जाएगा, कितना टाइम्स वैक्यूम का, किस कितना टाइम्स हमारा,
ये आया था ना, अगर हम वैक्यूम की बात करें, मीडियम की बात करें हम, तो वैक्यूम टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू हमारा आया था। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ ली ये चीज़। इसका मतलब क्या हुआ, या तो हम पॉइंट चार्ज को हम मीडियम में रख रहे हैं या तो हम वैक्यूम में रख रहे हैं। लेकिन अगर अगर हमें किसी एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम में रखना है, तो हमारा फोर्स क्या होगा और उसकी एनालिसिस क्या क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये IIT JEE का कंसेप्ट है, आप लोग इसको देखें जो भी तैयारी कर रहे हैं, और जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसको ना देखें, प्लीज़ स्किप कर दें इसको आप लोग। ठीक है, देखने का नीड नहीं, लेकिन कंसेप्ट अगर सीखना है तो साइमल्टेनियसली सीख सकते हैं। जब भी आप IIT की तैयारी करेंगे तो प्लीज़ इसको आप फॉलो करें। और बहुत सारा चैनल ऐसा है कि ये सब कंसेप्ट बताता नहीं है, तो ये सब कंसेप्ट सीखने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे फोकस करें और देखें यहाँ पे कैसे हमारा कंसेप्ट बनने वाला है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस, ये हमारा कोई दो पॉइंट चार्ज था Q1 Q2, और दोनों के बीच का हमारा सेपरेशन क्या था, हमारा आर था। तो फोर्स हमारा क्या आया था, फोर्स ऑन वैक्यूम हमारा क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r², ये हमारा आया था। ठीक, ये हमारा मैग्नीट्यूड अमाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, ये तो फोर्स हमारा वैक्यूम होगा इतना होगा, लेकिन अगर इसको हम किसी मीडियम में प्लेस कर दें, सपोज कोई मीडियम है, ये क्या है मेरा मीडियम है, ये हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग देखें, वैक्यूम में था ये मीडियम में था। अभी मान लीजिए सेम चार्ज हमारा है, सेम चार्ज हमारा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है सपोज, ठीक है, डी है, डी हमारा, तो फोर्स ऑन मीडियम हमारा कितना होगा, फोर्स ऑन मीडियम हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 / d², ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पुट कर दें आप लोग, दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये हमारा हो गया। दैट मीन्स हमारा वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r², सॉरी d². ठीक है, ये हमारा हो गया। इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यार सिस्टम हमारा क्या होमोजेनियस है। इसका मतलब या तो हम चार्जेस को हम वैक्यूम में प्लेस कर दें, या तो चार्जेस को हम कहाँ सिंपली प्लेस कर दें, किसी मीडियम में, तो फोर्स हमारा इतना होगा। लेकिन अगर अगर हम किसी नॉन होमोजेनियस सिस्टम में प्लेस कर देते हैं, अगर कोई हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, सपोज ये हमारा कोई सिस्टम है, सपोज ये हमारा कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है जिसके बीच सपोज ये वैक्यूम नहीं है, ये हमारा क्या मीडियम है, दैट मीन्स इसका मीडियम का वैल्यू 6 है और ये मीडियम वैल्यू क्या है 10 है, और यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमारा 3 मीटर है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है 9 मीटर है। तो हमें क्या फोर्स इक्वल टू, क्या ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं कर सकते। कंडीशन क्या, दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमारा क्या सिस्टम होमोजीनियस है कि नहीं, पहले हमें ये चेक करना होगा। ये होमोजीनियस हमारा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है मीडियम चेंज है, एप्सिलॉन आर क्या बताता है मीडियम चेंज बता रहा है, मीडियम चेंज बता रहा है, दैट मीन्स हम इसको पहले एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ये एप्लीकेबल तभी होगा जब सिस्टम हमारा क्या है किसी एक इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स किसी एक या तो वैक्यूम में रहे या फिर हमारा मीडियम में रहे, होमोजीनियस रहना चाहिए। अगर हम हेटरोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं, हम जहाँ पे दो अलग अलग या तो वैक्यूम रहे या तो फिर हमारा क्या है मीडियम रहे, ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे फोर्स, हम यहाँ क्या होगा फोर्स हमारा जो होगा K Q1 Q2 / r² पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्यों नहीं कर सकते यार, देखो ना यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज हमारा, ये पॉइंट चार्ज हमारा हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है 9 + 3 = 12, ये हमारा हो गया। लेकिन यार K का वैल्यू हमारा क्या है, K का वैल्यू हमारा क्या है, दोनों मीडियम के लिए क्या होगा डिफरेंट होगा हमारा, तो हम लोग ये फार्मूला पुट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कंसेप्ट हमने क्या सीखा, कंसेप्ट हमने ये सीखा कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी मीडियम, फॉर अ मीडियम
ऑफ एप्लीकेबल ऑफ होमोजीनियस मीडियम नॉट फॉर हेट्रो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हो गया, हमारा सिस्टम हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हमने क्या बोला, सपोज हमारे पास एक चार्ज है जो वैक्यूम में है और चार्ज हमारा क्या है, किसी मीडियम में है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा, हम बात समझिएगा ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा इस पर ज़्यादा होता है वैक्यूम में और इसका हमारा फोर्स कम होता है। क्यों कम होता है, कल हमने पढ़ा था और आज भी हमने पढ़ा, फोर्स ऑन मीडियम जो होगा, आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या, फोर्स ऑन मीडियम इक्वल टू क्या होगा मेरा, फोर्स बाय वैक्यूम बाय एप्सिलॉन नॉट आर। दैट मींस इतना टाइम से हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट आर टाइम से हमारा क्या होगा, फोर्स हमारे मीडियम में घट जाएगा, ठीक है। तो हमें सपोज सेम फोर्स करना है, अभी क्या होता है, ये हमारा वैक्यूम था, ये हमारा क्या था, मीडियम था, अभी हमें सेम फोर्स करना है, हम क्या करने वाले हैं, हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट बताइए, कुछ ऐसा हमें एक मैनिपुलेशन बताइए इस क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में, कि हमें फोर्स को सेम करना है, ये वैक्यूम वाला फोर्स और मीडियम वाला फोर्स हमें सेम करना है, तो हम यहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट करें ताकि हमारा फोर्स क्या आएगा, सेम आ जाएगा। हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन से पैरामीटर को हमें सेटअप करना है, कौन से पैरामीटर को हमें बढ़ाना या घटाना है, हमें ये देखना होगा, ठीक है, तभी हमारा फोर्स सेम आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम इफ वी वॉन्ट टू मेक टू वी वॉन्ट टू मेक सेम फोर्स देन, अगर हमें फोर्स वैक्यूम का फोर्स मीडियम में हमें सेम करना है, तो हमें किस पैरामीटर को सेटअप करना होगा। यहाँ देखिए फोर्स हमने सेम कर दिया, दिस वैल्यू और इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट dr स्क्वायर, ये हमारा आ गया डी स्क्वायर। अभी देखिए वैल्यू को काट कर दीजिए आप लोग, वैल्यू कट गया हमारा, ये वैल्यू कट गया, दैट मीन्स r स्क्वायर हमारा कितना आया, एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, r हमारा क्या आया, ये टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो भी चार्ज हमारा वैक्यूम में था, अगर हमारा जो भी चार्ज वैक्यूम में था, अगर उसकी सेपरेशन को, उसकी सेपरेशन, ये हमारा डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमारा था, अगर इसकी सेपरेशन को हम इतना टाइम्स अंडर रूट ऑफ दिस टाइम्स इंक्रीज कर दें, अंडर रूट ऑफ दिस एप्सिलॉन आर ऑफ दिस टाइम्स इंक्रीज कर दें, तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू हमारा सेम आने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग देख लीजिए इसको, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि यार वो कौन सा पैरामीटर है जहाँ पे हमें ऐसा करना होगा ताकि फोर्स हमारा सेम हो जाए। हमको ये पता है फोर्स हमारा सेम तो होगा नहीं, लेकिन कुछ पैरामीटर को सेम करने के लिए हमें, फोर्स को हमें सेम करने के लिए वो कौन सा पैरामीटर है जिसको हमें सेम करना होगा, तो हमें पता चला दोनों का बीच का जो सेपरेशन होगा वैक्यूम में उसको बढ़ा दें, तभी हमारा क्या होगा, मैनेज हो पाएगा, तभी हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स फोर्स हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। यही कंसेप्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट IIT के लिए, ठीक है, ये हमारा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम है, लाइक मीन्स अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उसको एक होमोजीनियस बनाना होगा। होमोजीनियस कैसे बनाएंगे हम लोग, होमोजीनियस बनाने का तरीका बस एक ही है कि जो भी डिस्टेंस हमारा मीडियम में रहेगा, जो भी डिस्टेंस हमारा मीडियम में रहेगा और ये वैल्यू हमारी दी रहेगी, तो उसको हम लोग आर के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आर हमारा क्या था, सॉरी आर हमारा यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, आर हमारा क्या है, सेपरेशन इन वैक्यूम, और हमारा डी हमारा क्या था, सेपरेशन इन मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेशन को, कौन सा सेपरेशन, इसको हम बढ़ा दें इतना टाइम्स। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लीज़ इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको नोटिस कर लीजिए, ठीक है, और ये आपका आता है एग्जाम में।
ठीक। तो चलिए हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमने क्या बोला, अगर हमारा कोई सिस्टम है, सपोज हमारा कोई हेट्रोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, दोनों हमारा सेम हो गया, अगर हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी सिस्टम है उसको हम लोग एक वैक्यूम में चेंज करेंगे, हम लोग दैट मीन्स जो मीडिया हमारा है उसको वैक्यूम में चेंज करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आके बन सकेगा। हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट चार्ज हमारे पास था, वो पॉइंट चार्ज क्या है, किसी मीडियम में प्लेस्ड है और किसी वैक्यूम में भी है और किसी अनदर मीडियम में भी है, तो हम लोग वहाँ पे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि के हमारा जो वैल्यू है वो हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा, तो हमें एक पर्टिकुलर सेटअप अरेंजमेंट करना होगा ताकि हम क्या कर सकते हो उस पर वैल्यू को पुटअप कर सकते। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सपोज सपोज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज ये हमारा पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम का पॉइंट चार्ज वैक्यूम में है जिसका सेपरेशन 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर, और ये कहाँ पे है, ये वैक्यूम में है, ये वैक्यूम में है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमने क्या बोला कि दो पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, वैक्यूम में प्लेस्ड है जिसका सेपरेशन हमारा क्या है, 1 मीटर का है, दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं। अभी हमें सपोज अभी यही दो पॉइंट चार्ज के बीच में हम किसी एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस्ड कर दिया, हमने स्लैब को प्लेस्ड किया हमने, सपोज ये हमारा क्या है, स्लैब है, ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है 40 सेंटीमीटर का है और ये हमारा क्या है 2 माइक्रोकूलम, ये मेरा क्या है 6 माइक्रोकूलम, ये कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 था, कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2, ठीक है, ये हमारा है। तो हमने क्या बोला, ये हमारा क्या था, किसी मीडियम की बात करते हैं, ये मेरा मीडियम है जिसका वैल्यू हमारा के दिया हुआ है, या तो इसको एप्सिलॉन आर ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, स्लैब है और 1 मीटर का था और हमारा क्या है 40 सेंटीमीटर का था, तो रिमेनिंग हमारा कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक 30 और 30, ठीक है, बीच में हमारा सही समझ लीजिए प्लेस्ड है यहाँ पे हमारा, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि के का वैल्यू हमारा क्या आएगा, हमने क्या बोला के वैल्यू और दैट मीन्स इस एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू हमारा क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हम इसमें फोर्स लिखेंगे, हम लोग हम इसमें फोर्स लिखेंगे, हाँ कंडीशन ये दिया हुआ, कंडीशन हमारा ये दिया हुआ, कंडीशन आपका ये है, इफ अ स्लैब ऑफ सिग्मा आर इज प्लेस्ड हैविंग थिकनेस 40 सेंटीमीटर, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड by configuration 2 will becomes half of the configuration 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई स्लैब है, अगर कोई स्लैब है यहाँ पे प्लेस्ड हमारा कोई मीडियम है ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा ही हमारा अरेंजमेंट वैक्यूम में था, ये हमारा वैक्यूम है यहाँ तक का, ये भी हमारा क्या वैक्यूम है। अगर हमारा एक फोर्स सॉरी हमारा एक स्लैब प्लेस्ड हमने कर दिया, ठीक है, जिसका सेंटीमीटर हमारा क्या है सॉरी जिसका हमारा थिकनेस क्या है 40 सेंटीमीटर का था, अभी हमने क्या बोला फोर्स ये जो एक्सपीरियंस करेगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन एक्सपीरियंस करेगा वो आधा होगा इसका, आपको पता ही है ना, आपको पता है कि फोर्स तो हमारा कम ही होगा, आधा तो हमने दे दिया है लेकिन कम ही होगा फोर्स हमारा। तो हमें ये बताना है कि हमारा एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमारा क्या है। फाइन द वैल्यू ऑफ
एप्सिलॉन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अब इसको नोट कर लें आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला यार, हमने ये बोला कि सबसे पहले जो भी मीडियम रहेगा, सपोज ये मेरा क्या होमोजीनियस नहीं है, ये मेरा हेट्रोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब चेंज किस तरह से करेंगे हम लोग, तो आपको ये पता है कि जो 40 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था, 40 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था उसको हम लोग चेंज करेंगे। आपको पता है इसके सेपरेशन को बढ़ा देंगे हम लोग और इसको वैक्यूम बना देंगे। ये हमारा वैक्यूम था, ये हमारा वैक्यूम था, ठीक है। हमारे कंप्लीट वैक्यूम में तभी आएगा जब इसको हम लोग वैक्यूम में बना देंगे। और वैक्यूम का इक्वेशन क्या था, डिस टाइम्स ऑफ डिस, दैट मीन्स ये वैल्यू हमें निकालना ही, और डी हमारा कितना है 0.4 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ रहा हुआ, अभी ये आपको पता है ये 40 सेंटीमीटर का था, ये हमारा कितना 30 का हुआ, ये 30 का हुआ, दैट मीन्स हमारा नेट यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया। अब देखिए हमें फोर्स लिखना है, हमें सपोज इस पर फोर्स लिखना है, किस पे, कॉन्फिगरेशन वन पे, इस पर फोर्स हमारा कितना आएगा, फोर्स ऑन वैक्यूम हमारा कितना आएगा। अभी इसको दोनों को वैक्यूम हमने बना दिया, ये तो हमारा वैक्यूम था, अभी इस जब हम लोग डायलेक्ट्रिक को प्लेस हमने किया तो मीडियम हमारा चेंज हो गया, लेकिन इसको हम लोग वैक्यूम बना दिया, कैसे, ये डिस्टेंस है, ये सेपरेशन अगर रिटर्न टाइम से हमारा होगा तो इसको हम लोग वैक्यूम बना के हम लोग क्वेश्चन को फार्मूला भी लिख सकते हैं। अभी हमारा क्या हुआ, ये फार्मूला हो गया, अरे बोलो यार, फोर्स हमारा क्या हुआ, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का हमारा ये था, ठीक है। और फोर्स हमारा कॉन्फिगरेशन टू में कितना हो गया हमारा, अब वैक्यूम हमने बना दिया, अभी हमारा हो गया 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये हमारा वैल्यू हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमने वैक्यूम बना चुका है, इसको भी वैक्यूम हमने बना चुका है। हमने क्या बोला, जो भी अगर हेट्रोजीनियस क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैक्यूम बना लेंगे उसको हम लोग, ठीक है। अगर मीडियम में दिया रहेगा तो वैक्यूम चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक, ये हमारा हो गया। दूसरी बात Q1 Q2 और सेपरेशन क्या, यहाँ तक का सेपरेशन क्या, दिस डिस्टेंस प्लस ये प्लस ये, दैट मीन्स यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 30 का 0.6 प्लस ये डिस्टेंस 0.4 √2 टाइम्स ऑफ आर, यही तो होगा, ये तो डिस्टेंस हमारा होगा ना, का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें फोर्स बराबर कर देना है, ठीक है, फोर्स हमारा क्या बराबर होगा वैक्यूम में, तो फोर्स 1 इक्वल टू फोर्स 2 कॉन्फिगरेशन में, तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर, सब वैल्यू हमारी कट जाएगी, आप देख सकते हैं 0.6 प्लस 0.4 अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 इक्वल टू 0.6 प्लस 0.4 अंडर रूट, इतना मतलब 0.4 इक्वल टू 0.4 अंडर रूट दिस वैल्यू, और अंडर रूट वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 1, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी इतनी आ गई। हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, इसको हमने चेंज कर दिया और इसका रिलेशन पूछा था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो जो भी आपका मीडियम दिया रहेगा, अगर जो भी आपका मीडियम दिया रहेगा, अगर हेट्रोजीनियस मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले उसको हम एक वैक्यूम में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा हमें निकाल देना है ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी कंसेप्ट बन जाएगा आपसे, ज़्यादा परेशानी नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें इसे, और जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप रिवीजन करें और हमारा लेक्चर को देखें, आप प्रीवियस लेक्चर को देखना है, रिवीजन करना है उसको। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो जाएगा, तो प्लीज़ रिवीजन मोड पे रहें आप लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया, चलिए कुछ और हमारे हम लोग देखते हैं, ठीक। सपोज ये हमारा कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्यू है। बोलेगा फाइंड द, ये स्क्वायर है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए, सपोज ए है, बी है, सी है, डी है,
ठीक है, हमने कल बताया था इसको, लेकिन फिर से देख लीजिए आप लोग, जिसको इसको अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो यहाँ देख लो आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए है, बी है, सी है, डी है, ये हमारा क्यू है, और क्यू की बात कर रहे हैं, ये मेरा क्या है, बी है, कैपिटल क्यू है। ठीक, देखिए हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको देखें, किसी को भी दिख सकता है, किसको देखना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इधर जाएगा, सपोज ए है, ठीक, साइड हमारा क्या है, ए स्क्वायर, इसकी बात करते हैं, नीचे आएगा हमारा सेपरेशन है, तो के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, ये हमारा क्या एफ हो रहा है। अब हम अगर इस फोर्स की बात करें, हम इस फोर्स की बात करें, एफ डैश हमारा कितना आएगा, एफ डैश हमारा आएगा, ये हमारा क्या आएगा, रूट ट्वेल्व, रूट टू ए, अरे बोलो यार, तो हमारा आ गया के क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर। ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट हमारा 90 पे आएगा। ठीक है, तो रूट टाइम्स ऑफ एफ वन, तो नेट फोर्स हमारा कितना आ गया, नेट फोर्स, नेट फोर्स हमारा आ गया ए पे रूट टू टाइम्स ऑफ एफ वन प्लस एफ डैश, ये हमारा आ गया नेट फोर्स, रूट टू टाइम्स ऑफ एफ वन हमारा कितना है, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और अब बात करते हैं, अगर कोई चार्ज है, कोई स्क्वायर है और चार्ज प्लेस्ड है, सपोज टू क्यू है, टू क्यू है, टू क्यू है, टू क्यू है, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, तो बोलेगा फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर, फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो आपको ये देखना है पहले, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, अभी आपको पता है कि इसके कारण से ये हमारा फोर्स, देख लीजिए आप लोग, ऐसे है कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या है, ऐसे है। ठीक है, ये हमारा क्या, मान लीजिए ए है, ए है, ए है, ए है, ठीक, ये हमारा क्या क्यू है, टू क्यू है, टू क्यू है, टू क्यू है, और ये मेरा क्या है, टू क्यू है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखना है यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है। अभी देखिए इसके कारण से फोर्स हमारा कितना आएगा, ये टू क्यू है, ये क्यू है, इसका फोर्स हमारा इधर आएगा, दैट मीन्स सपोज ये मेरा क्या है, एफ वन है, एफ वन मेरा कितना आया, के टू क्यू इंटू क्यू बाय ये दोनों बीच का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये मेरा क्या होगा, ए बाई टू, ये मेरा कितना होगा, 45 डिग्री स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है और 45 डिग्री हमारा है, तो ये वैल्यू हमारा कितना आएगा, तो देख लीजिए क्या हमारा हो रहा है, कॉस, अगर हम कॉस 45 की बात करें हम, इक्वल टू क्या होगा मेरा, ए बाई टू बाय ए, सपोज मेरा डिस्टेंस आ रहा है, आ रहा है, तो वन बाई रूट टू इक्वल टू मेरा क्या होगा, ए बाई टू रूट आर। ठीक है, तो हमारा आर हो जाएगा मेरा, आर हमारा हो गया ए बाय रूट टू, ये हमारा हो गया ए बाय रूट टू। ठीक है, दैट मीन्स इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया। अभी हम इसकी बात करें, सपोज हम इसकी बात करते हैं, इस चार्ज की बात करते हैं इस पर, तो ये भी हमारा क्या होगा, रिपल्सन होगा, बोलो यार, रिपल्सन होगा। देखिए सबका वैल्यू हमारा क्या है, प्लस क्यू है, सबका वैल्यू हमारा सेम है, दैट मीन्स हमारा ए एफ वन ही होगा, और एफ वन हमारा कितना हो गया, के टू क्यू क्यू बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आ गया एफ वन। ठीक है, और अगर हम ये वैल्यू की बात करते हैं, इसकी वैल्यू अगर अब इसकी चार्ज की बात करते हैं, ये चार्ज की बात करते हैं, तो इसका भी फोर्स हमारा क्या आएगा, इधर आएगा, रिपल्सन आएगा, ये भी हमारा एफ वन होगा और ये भी हमारा एफ वन होगा। तो अगर नेट फोर्स की बात करें हम, नेट फोर्स ऑन ए इक्वल टू क्या हुआ मेरा, ठीक है,
ये वाला वैल्यू कैंसिल कर देगा, दैट मीन्स एफ वन माइनस एफ वन माइनस एफ वन प्लस एफ वन, ठीक है। ये वैल्यू हमारा कट गया, ये वैल्यू हमारा कट गया, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देख सकते हैं कैसे हमारा आया। ये वैल्यू हमारा क्या, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उसका उतना ही, एक प्लस लिखा मान लो हमने, एक प्लस लिखा इसको माइनस लिखते हैं, फिर मान लीजिए हम लोग इसको प्लस लिखा इसको माइनस लिखते हैं, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था कूलम्स लॉ तक, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आज का क्लास को आपको रिवीजन करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने कराया है, तो प्लीज़ आप लोग इसको रिवीजन मोड में रहें, ताकि आप लोग जो भी बोर्ड और आईआईटी नीट की तैयारी करें उनके लिए बेनिफिट हो गए। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।